हेलो एवरीवन, तो ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। अब लॉकडाउन में हम घर पे बैठे हुए थे जो मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने जब आटा गूंदा तो वो बहुत ही बुरा गूंदा गया था, इतना गंदा था। तो मम्मी ने कहा तो क्यों ना हम चैनल स्टार्ट करें जिसमें मेरे साथ वो आपको भी कुकिंग सिखाएंगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आटा गूंदने से। हम बहुत बेसिक चीज़ों के साथ जो जो घर में अवेलेबल है, क्योंकि लॉकडाउन वैसे लगा हुआ है तो बाहर से तो कुछ आ नहीं सकता है, और हम घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे आपको बहुत इजी रेसिपी सिखाएंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है, वैसे ही हम भी आपको सिखाएंगे मेरे साथ साथ। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले तो आप जो हिसाब नहीं आता है लेना, नहीं कपड़ा, हाँ कपड़ा लगाना चाहिए ताकि ये परात इधर उधर बार बार ना जाओ, नीचे से परात घिसती भी नहीं है ऐसे, ये लगाने से तो ये स्लिप नहीं होगी आटा गूंदते वक्त, इसीलिए नीचे एक पहले कपड़ा रख लो और पहले थोड़ा थोड़ा आटा ले ऐसे। जो नई नई शुरू कर रही है वो एक साथ में सारा आटा ना लगाए। और मम्मी हिसाब कैसे लें कि कितनी रोटी के हिसाब जैसे से? अब हमारे घर में कुछ आइडिया सा तो हो ही जाता है कि भाई कौन कितनी रोटियां खाता, तो ऐसे मुट्ठी से आइडिया लेगी, ये एक रोटी है, ये दो रोटी, इससे बिल्कुल परफेक्ट आटा गूंदता है। और जब टोटल जितना भी हमें बनानी जितनी रोटियां उससे दो मुट्ठी एक्स्ट्रा ले ले, ताकि कभी कभार कोई एक्स्ट्रा खा ले तो उसके लिए ऐसे मुट्ठियों से ऐसे आटा ले, इसे बिल्कुल परफेक्ट वो होता है आटा, इसमें रोटियां कम नहीं पड़ती और ना आटा कम पड़ता है। अब जो स्टार्ट कर रही है, जो शुरू शुरू में जिसने कभी आटा आज तक गूंदा नहीं है, वो पहले थोड़ा आटा ले और इसके बीच में ऐसे बना ले ताकि पानी उधर ना जाए, और फिर उसको ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऐसे पानी डाले इसमें ऐसे करके, और जितना हमें टाइट रखना है जितने टाइट से हम आटा मतलब रोटियां बना सकते हो उसको, उस आटे को पहले उतना ही टाइट कर ले ऐसे करके। जैसे अब ये आटा ऐसे, ये परफेक्ट है, जैसे भी मेरे को इतने टाइट में बनानी अच्छी लगती है, तो इसको फिर ऐसे करके इसको साइड में लगा ले, फिर थोड़ा सा आटा ले ऐसे और फिर उसको ऐसे, फिर इस थोड़े से आटे को फिर से उतना ही टाइट करें ऐसे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाले, एक साथ ज्यादा पानी ना डाले, उससे फिर ये ज्यादा ढीला हो जाता है, उससे रोटियां नहीं बनती। अब देखो ये हो गया, अब इसको ऐसे रख लो, फिर थोड़ा सा ऐसे आटा ले। कभी भी एक साथ ऐसे उठा के ऐसे नहीं डालना पानी, मुझसे हमेशा ज्यादा डल जाते हैं, तो हाथ से ऐसे निकाल निकाल के थोड़ा डालिएगा। ऐसे करने से बिल्कुल परफेक्ट आटा गूंदेगा, और जिसको नहीं आता वो भी बिल्कुल परफेक्ट कर पाएगी ऐसे, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। या आप कोई कप ले ले, अगर हाथ से आपसे नहीं डल रहा तो कोई छोटा घर में कप हो वो ले ले, उसे थोड़ा थोड़ा करके डाले। और हाथ से डाल रहे तो इसको बिल्कुल ऐसे चिपका के रखना है परात के साथ, ताकि नीचे पानी ना गिरे। अब देखो इसको सारा ऐसे किया हमने, और एक बात, जैसे हमारे घर में तो परात है, कईयों के घर में परात नहीं होती, वैसे तो नॉर्मल सभी के घर में होती है ये, लेकिन बाय चांस किसी के घर में ना हो तो वो कोई डोंगा वगैरह लेके भी कर सकती। अब जैसे ये आटा हो गया, ये सारा इकट्ठा, इसको ऐसे इकट्ठा किया और उंगलियों से ऐसे उंगली डबोई, ज्यादा नहीं करना ऐसे करके, और उसको हल्का हल्का जहां भी आटा चिपका हुआ है उसको ऐसे करे, उसको ऐसे खुरच दे, ऐसे उठाया और ऐसे थोड़ा सा, ताकि परात गंदी ना लगे, है ना, ये फिर साफ भी हो जाएगा ना ऐसे आटा। हाँ, बर्तन ऐसे किया फिर, और फिर ऐसे करके दोनों हाथों को प्रेस करते जाए इसको, ऐसे ऐसे उठाया फिर ऐसे किया। अच्छा, कई जैसे कई बच्चों से ऐसे प्रेस भी नहीं किया जाता, भी आजकल की लड़कियां जैसे भी उनके सॉफ्ट हाथ होते हैं, वो कुछ काम नहीं करती, तो उनसे ऐसे प्रेस भी नहीं किया जाता, तो उनको क्या करना है, जैसे थोड़ा सा तो ऐसे कर ले पहले एक दो बार, तो उसके बाद इसको आटे को ऐसे करके ऐसे, और उसमें ऐसे पानी डालते इसमें ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे, और इसके ऊपर कोई कपड़ा ढक के और उसके ऊपर कोई बर्तन रख दे और उसको 15 मिनट के लिए छोड़ दे, फिर जब आप बाद में देखोगे तो बिल्कुल सॉफ्ट आटा मिलेगा,
जिससे वो नहीं होता। और जो ऐसे कर सकती हो वो ऐसे करती जाए। इसमें मैं कोई बीच में वो नहीं करूंगी, जैसे नॉर्मल भी डेली में सब करती है बिल्कुल सारी वो दिखाऊंगी मैं कैसे कैसे करना चाहिए, तभी आपको बिल्कुल अच्छे से आएगा, क्योंकि मेरी बेटी भी बिल्कुल ढीला कर देती है, बिल्कुल टाइट। देखो ऐसे करते रहो, अब देखो बिल्कुल परात भी बिल्कुल साफ हो जाएगी और आटा। अगर ज्यादा टाइट आटा हो गया हो मम्मी तो क्या करें? ज्यादा टाइट हो गया तो थोड़ा थोड़ा गीला हाथ ज्यादा लगा ले, तो थोड़ा ज्यादा पानी डाल दे। ठीक है, अब जैसे ये अब लगभग 60% आटा हो गया हमारा, अब इसमें हमें डालना होता है नमक। नमक हमेशा बाद में ही डालना चाहिए। और एक आटे को ऐसे करते रहो, इसे परात भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। जैसे कई ऐसे भाई मेरी बेटी अभी सारे के आटा ही आटा कर देती है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। आटा जो गूंदे सफाई से और अच्छे से गूंदे। अब इसमें नमक डालें, जैसे अभी हमारी फैमिली बड़ी है तो हम इसमें 2 चम्मच नमक डालते हैं, जो डेली खाना खाने वाली चम्मच होती है वो वाली। अब इसको ऐसे फैला दे और फिर इसको ऐसे कर ले, ऐसे करते इससे उसमें ऐसे हो गया है, सारा नमक इसमें चला गया है ना। अब हल्का सा फिर से पानी ले, ऐसे चबोया और हल्का सा बस उंगलियां उंगलियां भी निकाल लेते हैं और ऐसे फिर से इसमें ऐसे ही करें ताकि सारा नमक अच्छे से मिक्स हो जाए आटे में। हाँ, जैसे अब मैंने पहले बताया था भी कोई पानी लगा के ऐसे रखे तो उसमें पहले नमक डाल के तभी रखे, फिर बाद में नमक मिक्स करना उनसे मुश्किल हो जाएगा। अभी से इतना परफेक्ट आटा लग रहा है और हमारा आटा देखो चिपकता रहता है हाथों पे, चिपक भी नहीं रहा है बिल्कुल। आटा बिल्कुल सॉफ्ट है ना। अब इसका ये लास्ट वो है, एक बार फिर से हल्का सा ऐसे गीला किया तब ऐसे किया और फिर से एक बार ऐसे, ताकि हमारा जो नमक है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देखो ऐसे हाथ के साथ इसको स्ट्रेच करो आगे ऐसे करके और ऐसे धक्का, ऐसे उसको धक्का मारो आटे को दे ऐसे, और उसको ऐसे पलटते रहो बार बार। इसमें स्टार्टिंग के 2-3 दिन में तो बड़ी मुश्किल से होता है, पर अब जब आदत हो जाती है जब धीरे धीरे हो जाता है। इसमें जिसे नहीं होता वो उसमें पानी लगा के रखने से भी हो जाता है आटा, अगर जिसे ये प्रेस नहीं हुए। वैसे तो ये करना ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसकी आदत ज्यादा अच्छी है, कई बार हमें जल्दी होती है आटे की तो उसमें वो 10-15 मिनट के लिए रखना होता है, ये साथ की साथ हो जाता है। अब देखो हाँ कितना क्यूट लग रहा है। अब जैसे हमें काफी देर के लिए रखना हो, इसके ऊपर पपड़ी ना आए, तो इसके लिए हमें इस पे थोड़ा सा घी लगाना चाहिए ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना आए। अब जैसे ये है, ये घी लिया इसको ऐसे कर दिया, सारे पे ऐसे घी लगा दिया। अब ये इसके ऊपर पपड़ी नहीं बनेंगे, और फिर इसको किसी कपड़े से ढक के और उसके ऊपर कोई बर्तन वो कर दो, इसके ऊपर जैसे ये कपड़ा रख दिया और इसके ऊपर ऐसे बर्तन लगा दो, और जब भी रोटियां बनानी हो तब हटा लो, बिल्कुल ऐसे के ऐसे आटा मिलेगा आपको। ठीक है ना, पपड़ी वाले। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं भी सीख रही हूँ उनके साथ। अगर आपको भी हमारे साथ सीखते रहना है तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और आप भी अपने खाने की तारीफ कराइएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।